हेलो गाइस, आज टाटा ओनर है बड़ी कंपनीज का, जैसे कि जैगुआर एंड लैंड रोवर। टाटा कंपनी का स्कोप बहुत वाइड है। टाटा एक मल्टीनेशनल जायंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाटा का एम्पायर कितना बड़ा है और कुछ ऐसी बातें जो रेयरली किसी को पता होगी। टाटा एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, इतनी पुरानी कि कार्स और इलेक्ट्रिसिटी आने से भी पहले की। कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 1868 में जमशेद जी टाटा और नासिर जी टाटा। अगर पुरानी बातों को देखें तो टाटा के फाउंडर रियल में हैं जय टाटा जी, जिनका जन्म 1839 में हुआ। जय टाटा का फर्स्ट वर्किंग रोल अपने फादर की बैंक में जॉब करना था। मुंबई के बाहर जय टाटा की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि जिसने इंडिया की हिस्ट्री को शेप में किया और बिजनेस और इंडस्ट्री को भी शेप में कर दिया। जय टाटा ने ट्रैवल किया अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप बिजनेस के लिए। उसने सोचा कि इंडियन इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल में एक बड़ी पहचान बना सकती है। 1868 में अपने फादर की बैंकिंग फर्म में काम करने के बाद 29 साल के टाटा ने एक पुरानी ऑयल मिल को खरीदा और इसको कॉटन मिल में बदल दिया। ये एक शुरुआत थी इस मल्टीनेशनल जायंट की। जय टाटा हमेशा इंडियन लोगों के बारे में सोचते थे। फिर स्टार्ट हुआ 4 ड्रीम गोल। टाटा की लाइफ में सिर्फ 4 ही गोल थे और वो थे एक स्टील कंपनी बनाना, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनवाना, एक होटल, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इनमें से होटल ही रियलिटी बन पाया। ये कम्प्लीट हुआ था टाटा की डेथ से एक साल पहले 1903 में, और 1907 में टाटा के बेटे दादा बॉय टाटा ने अपने फादर के ड्रीम्स को रियलाइज किया और पुश किया टाटा स्टील के लिए, एशिया का पहला और इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट। 1911 में थर्ड ड्रीम भी पूरा हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। फाइनल ड्रीम पूरा हुआ 1915 में, जब दादा भोए ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी बनाई, जो अब के टाइम में इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनी है। इतने कम टाइम में बहुत कुछ हुआ। टाटा एक कंपनी के रूप में बहुत अलग सोच रखती है। इसका आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने 8 घंटे काम करने की पॉलिसी स्टार्ट की 1918 में और वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी जिसने इस तरह का स्टैंडर्ड फिक्स किया था। 1918 में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल बेनिफिट्स भी इंट्रोड्यूस किए, जो उस टाइम बहुत ही एडवांस बिजनेस कंसेप्ट था। जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम से ही टाटा ऑपरेट करता है 100 से भी ज़्यादा कंपनीज को और 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में, और एक्सपोर्ट होता है 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में। ये बहुत अच्छी बात है, बट टाटा का एम्पायर एक्चुअल में कितना बड़ा है और वो एक्चुअल में करता क्या है। 2014 में कंपनी में $103 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसका 67% हिस्सा आउटसाइड इंडिया से आया था। टाटा के पास 6000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, सैमसंग ग्रुप से भी ज़्यादा। टाटा 34वें नंबर पे है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से। बट टाटा क्या करते हैं तो कंपनीज के अंदर देखते हैं। हमारे पास है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, केमिकल ग्लोबल, बीवरेज, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडियन होटल्स, इंडियन क्रीमिक पावर, टाटा स्टारबक्स, टाटा इंडस्ट्री, टाटा स्काई, लैंडमार्क, बुक स्टोर्स और बहुत सारी कंपनीज। टाटा ने साउथ कोरिया कार मैनुफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर किया, डाइवू। टाटा ने ब्रिटिश कंपनीज को बाय करने की जैसे हैबिट बना ली थी। अगर हम 19-20 की सेंचुरी को देखें और ब्रिटेन के रिलेशन को देखें तो ये एक बदला लेने की तरह लगता है। 2000 में इन्होंने ब्रिटिश कंपनी टेटले टी को अक्वायर कर लिया और $407 मिलियन के लिए। उसके बाद जैगुआर एंड लैंड रोवर को 2008 में और GFC के बाद $20.3 मिलियन के लिए। बैक इन 1999 रतन टाटा और उसकी टीम को इंसल्ट महसूस हुई जब वो टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेचने वाले थे, जब उनको हैचबैक लॉन्च करने का रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जो टाटा की फर्स्ट पैसेंजर कार थी। अमेरिका की फोर्ड ने टाटा को टेक ओवर करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, बट एक इनअप्रोप्रिएट मैनर में। उनके ऑफिशियल्स ने टाटा से कहा कि आपने पैसेंजर कार क्यों बनाई जब आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि वो टाटा की भलाई के लिए टाटा को खरीदेंगे, बट टाटा और फोर्ड के बीच डील नहीं हुई थी। उस टाइम फोर्ड के पास जैगुआर और लैंड रोवर थे, बट 2008 में हालात इतने बुरे हो गए कि फोर्ड को जैगुआर और लैंड रोवर को बेचना पड़ा, उस कंपनी को जिसको फोर्ड ने यूजलेस बताया था। आज टाटा के पास जैगुआर और लैंड रोवर हैं और US में बेच रहे हैं। प्रॉफिट $771 मिलियन तक इंक्रीज हुआ है। जैगुआर और लैंड रोवर की सेल 19% तक बढ़ी है। अब देखा जाए तो टाटा बहुत सारे फील्ड में सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा कम्युनिकेशंस टॉप पे है,
और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बनाने में टॉप में है, टॉप 5 में आता है। स्टील डिवीजन टॉप 10 स्टील मेकर में आती है। TCS टॉप 10 IT कंपनीज में से आता है। स्टारबक्स सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी है और केमिकल डिवीजन सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोडा एश का, जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। टाटा को और क्या चीजें स्पेशल बनाती है? सबसे बेस्ट है फाउंडर्स का एटीट्यूड आम लोगों के लिए, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस को लेके और अपनी सोसाइटीज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाते हैं। कंपनी की हैबिट है सोसाइटी को रिटर्न में कुछ देना और लोकल इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना। ये इंडिया में ही नहीं और भी कंट्रीज में है। टाटा के बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं, मेडिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं। टाटा का वाटर प्योरीफायर बहुत ही कम कॉस्ट पे बेचा जाता है सिर्फ वेलफेयर के लिए। जब 2004 में टी सुनामी आई तो बहुत सारे लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, तो टाटा ने फैमिलीज और लोगों के लिए ये बनाया। इस प्योरीफायर का फ़ायदा ये है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिल्टर करने के लिए और बहुत ही कम कॉस्ट में मिलता है। टाटा ने नैनो को लॉन्च किया था, एक अफोर्डेबल कार, ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली स्कूटर की बजाय कार में जा सके अपनी पूरी फैमिली के साथ। इन्हीं बातों से टाटा पूरी दुनिया में 2009 में 11वें नंबर पे आया वर्ल्ड की मोस्ट रिप्यूटेड कंपनी में से, और फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में। टाटा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कंपनीज को कम्युनिटी की बातें सुननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी टाटास के बारे में कुछ बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।